नमस्कार, एसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताते हैं विकास दुबे का एनकाउंटर मामला एनएचआरसी पहुंचा। तहसीन पूनावाला ने दर्ज कराई शिकायत। उत्तर प्रदेश के कानपुर में गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अब एनकाउंटर का यह मामला राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तक पहुँच गया है। तहसीन पूनावाला ने की ओर से एनएचआरसी में एनकाउंटर को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। इस शिकायत में गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर के अलावा उसके 5 साथियों के मारे जाने की बात शामिल की गई है। साथ ही लिखा गया है कि विकास दुबे ने खुद सभी के सामने सरेंडर किया था। इसके अलावा दावा यह भी किया गया है कि वीडियो फुटेज में विकास दुबे टाटा सफारी में बैठा हुआ दिख रहा है, जबकि गाड़ी जो पलटी है वो दूसरी है। ऐसे में इस एनकाउंटर और घटना पर शक पैदा होता है। ऐसे में इस मामले की जांच के लिए अपील की गई है। तहसीन पूनावाला की ओर से आरोप लगाया गया है कि विकास दुबे को इसलिए फर्जी एनकाउंटर में मार दिया गया ताकि राजनीतिक और पुलिस महकमे में जो संबंध सामने ना आ पाए। इसको आपको बता दें कि जिस तरह से विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ है उस पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। फिर चाहे एनकाउंटर साइट से कुछ दूर पहले ही मीडिया को रोक देना हो या फिर समर्पण के बाद भी विकास दुबे के भागने की बात कहना हो। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने भी कहा है कि विकास दुबे का एनकाउंटर इसलिए कर दिया गया ताकि राजनीतिक राज सामने ना आ सके। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी विकास दुबे के एनकाउंटर पर सवाल किए हैं। यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीम ने शुक्रवार की सुबह कानपुर की सीमा के अंदर ही एनकाउंटर को अंजाम दिया है, लेकिन इस मुठभेड़ को लेकर कई बड़े सवाल उठ रहे हैं जिसका जवाब यूपी पुलिस को देने हैं। नंबर 1, कानपुर की सीमा में आने के बाद एसटीएफ के काफले की गाड़ी का एक्सीडेंट कैसे हुआ? नंबर 2, एसटीएफ की गाड़ी कैसे पलटी, किन हालात में एक्सीडेंट हुआ? नंबर 3, क्या लगातार भागने वाला विकास दुबे इस हालत में था कि उसने एक्सीडेंट होते ही पुलिस से के हथियार छीन लिए? नंबर 4, क्या एसटीएफ ने विकास दुबे को लाते समय सावधानी नहीं बरती जो उसने पुलिस से भिड़ने की हिम्मत जुटाई? नंबर 5, विकास दुबे ने पहले पुलिस पर फायर किए या पुलिस ने उसे रोकने के लिए गोली चलाई? नंबर 6, प्रभात वाले घटनाक्रम से सबक क्यों नहीं लिया गया? नंबर 7, दोनों तरफ से इस एनकाउंटर के दौरान कितने राउंड गोली चली? नंबर 8, जिस विकास दुबे ने उज्जैन में चिल्ला चिल्ला कर मीडिया के सामने गिरफ्तारी दी थी, अचानक शुक्रवार की सुबह उसका मन कैसे बदल गया? मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। अरे हवाई जी, यार गाड़ी नहीं, यार अंदर ले लो यार, शर्मा जी मैं मरवाओगे। नंबर 9, 24 घंटे में पुलिस की एक गाड़ी पंचर हुई, दूसरी गाड़ी पलटी। नंबर 10, खुद सरेंडर करने वाला विकास दुबे क्यों एक हथियार लेकर भागने की कोशिश करेगा? 11, क्या विकास को हथकड़ी नहीं लगाई गई थी, ना बरती गई सावधानी है? नंबर 12, आखिर कानपुर आकर ही क्यों भागने लगा था विकास दुबे? नंबर 13, क्या मुठभेड़ में सीने पर गोली मारी जाती है, क्या पुलिस का मकसद उसको रोकना नहीं जान से मरना था? उनका कितनी गोली मारी गई थी सर? उनका तो पीएम पे पता चलेगा, उनका अल्टीमेटम होगा, हमारे डॉक्टर क्या विकास दुबे का कोरोना टेस्ट हाँ, उनका टेस्ट लगा है, अभी रिपोर्ट जैसे आएगी वो हम ब्रीफ कर देंगे। गोलियां कितनी लगी थी जब वो यहाँ पर आया है? विकास दुबे को कितनी गोली लगी थी सर? उनके हमारे जो डॉक्टर बताया उनको 4 गोली बता रहे हैं। कहाँ लगी थी गोली? ये सीने में है और हाथ में है। नहीं, विकास दुबे को कहाँ गोली? तीन सीने में, अपर पार्ट में है और एक हाथ में। जब वो डॉक्टर साहब यहाँ पर आया था तो था या पहले? वो ब्रॉड डेड थे, यहाँ पे जो है ब्रॉड डेड। और आखिरी सवाल, इस पूरे एनकाउंटर के बारे में पुलिस और एसटीएफ के अधिकारी और जवान बोलने से क्यों बच रहे हैं? ये कुछ सवाल है जिनके जवाब कानपुर पुलिस को देने हैं।
देश और शहर की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल SK न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।